पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आज प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और जमकर आपत्तिजनक भाषा का भी प्रयोग किया। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर काफी गुस्से में नजर आई राबड़ी देवी, जबकि पाटलिपुत्रा से मीसा भारती की जीत को तय बताया पूर्व मुख्यमंत्री ने। राबड़ी देवी यहीं नहीं रुकी, नरेंद्र मोदी को जल्लाद और खूंखार तक की संज्ञा दे डाली। राबड़ी ने कहा, जनता इस चुनाव में बदला लेगी और भारी बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनेगी। जीत रही है, एक तरफा है। प्रियंका गांधी ने भी बाय रोड घूम कर देख रहे हैं ना, हवा हवाई से नहीं उड़ रहे हैं। प्रियंका वाड्रा ने भी पीएम मोदी को दुर्योधन कहा है। दुर्योधन का ही उसको तो और दूसरा का भाषा बोलना चाहिए, तो दुर्योधन बोल कर गलत ही है, दूसर भाषा बोलना चाहिए उसको। अच्छा, ये जलाद है, जलाद। जब जज के पत्रकार के मरवा देता है, राते राते उठवा लेता है, उसन आदमी के मन विचार क्या होगा? वही न होगा, खंखार है सब। कौन लोग जलाद? अच्छा मैडम, एक चीज बताइए, ये चुनाव आयोग लगातार नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे रहा है, जिस तरह से राजीव गांधी को उन्होंने भ्रष्टाचारी कहा था, उसको क्लीन चिट दे दिया। राजीव गांधी को जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचारी नंबर वन कहा था, चुनाव आयोग ने बोला कि इसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए, 5 साल में 2014 में वो आए थे विकास लेके, और विनाश करके जा रहे हैं देश के। उनका पास है क्या कि बकेंगे अब बोलेंगे क्या किए हैं कि बिजनेस कौन चीज किए हैं, विकास क्या विकास किए हैं? वही कांग्रेस के विकास किए हैं पलवारबाद, लालू यादव के पलवारबाद, यही तो विकास हुआ है, चाहे बिहार सरकार में या चाहे भारत सरकार में, यही विकास हुआ है। लालू पलवार, लालू पलवार, कांग्रेस पलवार, राहुल गांधी का पलवार, देश की जनता बताएगी क्या होगा, देश की जनता हिसाब लेगी 5 साल में क्या किया। नीतीश कुमार 15 साल में क्या किया उसका हिसाब जनता ले रही है। तेज प्रताप ने ट्वीट किया है कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, सब ठीक है।